नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। सचिन तेंदुलकर 5 सितंबर को मुंबई में लीजेंडरी श्रीलंकाई स्पिनर मुथैया मुरलीधरन पर बनी बायोपिक का ट्रेलर लॉन्च करेंगे। 800 टाइटल इस फिल्म में मुरलीधरन का रोल एक्टर मधुर मित्तल निभा रहे हैं। मधुर इससे पहले ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर का हिस्सा रहे थे, उसमें उन्होंने सलीम मलिक का किरदार निभाया था। 800 को MS श्रीपति ने लिखा और डायरेक्ट किया है। यह तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज होगी। रिलीज डेट की जानकारी ट्रेलर के साथ ही दी जाएगी। वहीं सोमवार को इस फिल्म के मेकर्स ने टीजर जारी किया। टीजर में मुरली की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की एक झलक दिखाई दी है। इसमें दिखाया है कि मुरली ने बचपन में दंगों का दर्द झेला, इसके बाद स्कूल में वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। टीजर में उनके क्रिकेट करियर की शुरुआती दिनों में आई तकलीफों के बावजूद भी उनके चैंपियन बनने का जिक्र है। इससे पहले फिल्म में क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन का किरदार साउथ के मशहूर एक्टर विजय सेतुपति निभाने वाले थे। विजय ने अपने फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी। यह अनाउंसमेंट करते ही वो तमिलियंस के निशाने पर आ गए थे। उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया था, यहाँ तक कि ट्विटर पर एक शख्स ने विजय की बेटी का रेप करने की धमकी दी थी। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।